الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम और मकाम वाले मोहतरम हज़रात सामईन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद कुरान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत करने के बाद ज़खीरा अहादीस में से एक हदीस मुबारक पढ़ी है। कुरान करीम की इस आयत के ज़ैल में जो मौजू शुरू है वो है फ़रीज़ हज व उमरा। फ़रीज़ हज व उमरा इससे मुतअल्लिक़ इससे पहले तकरीबन तीन जुमात या खुतबात में गुफ्तगू हुई है और आज इस सिलसिला का चौथा जुमा है। इससे पहले जो गुफ्तगू हुई है मैंने अर्ज किया था पहले जुमा के खुतबा में कि इस मौजू के ज़ेल में बीसियों अनवानात ज़ेली आते हैं और जिनको मैंने पहले ही जुम्मा में मुख्तसरन पेश भी किया था। उन ज़ेली उनवानात में से एक ज़ेली उनवान मफ़हूम हज व उमरा बयान हो चुका, दूसरा ज़ेली उनवान फ़लसफ़ा हज बल्कि फ़लसफ़ा अरकान इस्लाम को भी बयान हो चुका, तीसरा ज़ेली उनवान सौगात सफ़र हज व उमरा, सौगात ग़िज़ाई जिस्मानी एतबार से या रूहानी एतबार से वो भी बयान हो चुका। इसी तरह हज मबरूर व मकबूल के साथ अलामतें शर्तें वो भी पिछले जुमा पर तफसील से बयान हो चुकी हैं। ये तकरीबन चार ज़ेली उनवानात का हाल बयान हुए हैं और आज चौथा जुम्मा है। इस चौथे जुम्मा पर इन ज़ेली बीसियों उनवानात में से उनवान नंबर पाँच छः वगैरह की तरफ हम जा रहे हैं। उनवान नंबर पाँच उसमें शुरूत हज हैं, हज के हवाले से शर्तें, हज की फर्जियत और उसकी अदायगी और उसके लुजूम लाजिम होने से मुताल्लिक, और इसी तरह छठा उनवान फ़ज़ाइल वईदें हैं कि हज और उमरा पर क्या फ़ज़ाइल हैं और हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज ना करें इंसान तो उसके लिए क्या वईदें हैं, और सातवां उनवान जिनायात जिनायात मुहर्रम व इहराम,
हालत-ए-इहराम में कौन से ऐसे काम हैं जिनसे बचना होता है, अगर आदमी न बचे तो उस पर कुछ न कुछ जिनायत आ सकती है, तो वो जुर्म क्या हैं और वो उस पर आने वाली चीजें क्या हैं जिनायत, तो ये भी एक उनवान है जो तकरीबन सातवां उनवान करार पाता है। पांचवां उनवान सबसे पहले शर्तों के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं कि हज के जब शराइत को हम देखते हैं तो उसमें चंद शोबे हमारे सामने या चंद तकसीमात हमारे सामने आती हैं। पहली तकसीम वो उसको हम कहते हैं शराइत वजूब। शराइत वजूब का मतलब नफ्सी वजूब आदमी के ऊपर हज का कब आता है, यानी हज इंसान के ऊपर फर्ज कब होता है, ये भी याद रखें। वाजिब और फर्ज, फर्ज तो ऊपर वाले दर्जे की चीज होती है, वाजिब उससे सेकंड चीज होती है, सानवी चीज होती है। लेकिन पहले के हजरात अहले इल्म मुतकद्दमीन उनके यहाँ फर्ज और वाजिब ये एक दूसरे के माने में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होता था। तो इसलिए हज फर्ज कब होता है, हज के फर्ज होने के लिए नफ्स फर्जियत के लिए क्या शराइत है, जब हज जो है फर्ज हो जाए तो फिर उसकी वजूबे अदा के लिए फर्जियत अदा के लिए यानी अदा करने के एतबार से क्या शर्तें होंगी, और हज के सही होने के लिए शराइत सेहत की क्या शराइत शर्तें होंगी, और वुकूए फर्ज फर्ज के वाकई होने के लिए क्या शर्तें होंगी। ये मुख्तलिफ उनवानात इस हवाले से सामने आते हैं जब हम हज की शर्तें बयान करते हैं। सबसे पहली चीज, हज की फर्जियत कब आती है इंसान के ऊपर। पहली तो ये है कि इंसान हालत इस्लाम में हो, मुसलमान हो, काफिर के ऊपर हज तो जाहिर बात है कोई भी इबादत फर्ज नहीं होती, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात कुछ भी नहीं। तो पहली शर्त हो गई इस्लाम, ये आदमी मुसलमान होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, काफिर और मुशरिक ना हो। दूसरी शर्त यह है कि नफ्से वजूब उस वक्त आता है जब एक इंसान को ये पता चल जाए कि उसके ऊपर हज फर्ज है, यानी फर्जियत का इल्म हासिल हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर हज फर्ज होता है लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि शायद हज फर्ज नहीं हुआ और वह कई साल गुजार लेते हैं, तो इंसान को फर्ज का इल्म भी हो जाए ये नफ्स फर्जियत के लिए दूसरी शर्त है। एक आदमी ये अपने गुमान के मुताबिक समझता रहा कि उस पर हज फर्ज नहीं है हालांकि उस पर फर्ज था, तो इस लिहाज से इसको माजूर समझा जा सकता है कि उसने अपनी तरफ से कोई कोताही शायद तो नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उसके जहन में यही रहा कि हज फर्ज नहीं है और उस पर हज फर्ज रहा कई सालों से। तो इसलिए नफ्सी फर्जियत के लिए फर्जियत का इल्म होना ये दूसरी शर्त है। इसी तरह तीसरी शर्त है बुलूगत। जाहिर बात है हद्दी बुलूगत से पहले, हद्दी बुलूगत में कदम रखने से पहले इंसान पर इस्लामी एतबार से शरीयत के एतबार से फराइज और वाजिबात मुतवज्जे नहीं होते, तो उस पर यानी बालिग होना ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त वो है आजाद होना, गुलाम ना हो, क्योंकि गुलाम जाहिर बात है वो तो सफर कर नहीं सकता, वो तो अपनी मर्जी से दाएं बाएं इधर उधर जा नहीं सकता, वो तो किसी का गुलाम है और उसका पाबंद है। तो इसलिए नफ्सी फर्जियत के लिए चौथी शर्त आजाद होना भी आ गया। और पांचवी शर्त है इस्तेआत और कुदरत भी हो। इस्तेआत का मतलब माली इस्तेआत उसके पास हो और कुदरत का मतलब ये है कि जानी एतबार से भी और जराए के एतबार से भी उसको कुदरत हासिल हो, यानी माली इस्तेआत। माली इस्तेआत का मतलब ये है कि इस इंसान के पास माल इस कदर हो कि लोगों के कर्जे शर्जे जो भी इसके ऊपर है वो निकाल कर उसकी अपनी जो जायदाद है मनकूला है कि गैर मनकूला है, वो सोना की सूरत में है चांदी की सूरत में है या जरूरत से ज्यादा जमीनें हैं प्लाट्स हैं घर हैं गाड़ियां हैं कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा। जरूरत इंसान की एक गाड़ी से पूरी हो जाती है घर की, अब कहे जी मैंने दो दो चार चार रखी हुई है, जरूरत मेरी ज्यादा की है
तो ये फजूल बात करता है, एक गाड़ी से घर की जरूरत पूरी हो जाती है, दो तीन चार शौक है इसके आसमान आए। आमदन इसकी इतनी है कि अपना मकान और इतनी आमदन है कि उससे उसका गुजारा हो सकता है, और इजाफी इसके कुछ मकान है जितने किराए इसको आते हैं। तो ये इजाफी जो मकान अगर उसके किराए न भी आए तो इसकी बुनियादी जरूरत पूरी हो सकती है। बुनियादी जरूरत का मतलब ये है कि इंसान के ऐसी अशिया रोजमर्रा की कि जिनके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, अगर वो ना हो तो इंसान को जरर हो, तकलीफ हो, नुकसान हो, जरूरियात इसी को कहा जाता है, ना कि लश पश की चीजें, टीप टाप की डेकोरेशन की चीजें या इजाफी आसाइशी चीजें, वो जरूरत में नहीं आती, वो तो हाजात में है या ख्वाहिशात में। हाजात और ख्वाहिशात का दर्जा ऊपर है अलग से, तो असल में दर्जा देखा जाता है जरूरियात का। आज हमारी जो जिंदगी तंग है तो उस पर मैं पहले भी एक नशिस्त के अंदर जो तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूँ, हम जरूरियात के दायरे से निकलकर हाजात में भी चले गए और हाजात से निकलकर आगे ख्वाहिशात में भी चले गए, और फिर हम कहते हैं जी हालात बड़े तंग हैं, परेशान हाल हैं, पूरी नहीं हो रही चीजें। तो अगर जरूरियात के दर्जे में होती तो शायद गुजारा हो भी जाता, लेकिन हमने पांव ज्यादा लंबे कर दिए, ज्यादा दराज कर दिए, हाजात में चले गए, हाजात से आगे ख्वाहिशात में भी चले गए, फिर मसाइल बने हमारे। तो इस्तेआत का मतलब है कि इंसान के पास इतना माल हो कि इस माल के जरिए से ये शख्स अपने आने जाने का खर्चा भी कर सके और अपनी वापसी तक घर वालों के लिए भी बंदोबस्त कर सके, कि इसके 30 35 40 दिन जो लगेंगे, इतने दिनों का खर्चा वो बेशक थर्ड क्लास नहीं हो, रोजाना मुर्गे जरूरी नहीं और रोजाना दरमियाने दर्जे का भी जरूरी नहीं, बल्कि एक थर्ड क्लास का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत मुतवस्सित को भी मिला लें और कभी कभार कोई मेन्यू गोश्त पहली क्लास का भी रख दें। तो एक दरमियानी रोटी में जो उसकी जिंदगी गुजरती थी है इस वक्त तक आम रोटी की, उसी के मुताबिक खर्चा देखेगा, ना कि उसे बढ़ा चढ़ा कर इतना जाओ। फर्ज किया अगर आम रोटीन में उसके 30-40 लाख खर्चा था तो वही 30-40 लाख शुमार कर लें। अब देखें आने जाने के कितने खर्चात हैं, आज का तो बड़ा महंगा है सिलसिला, 13 लाख से ऊपर ऊपर तकरीबन बनते हैं, तो 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख अगर इसके पास हैं, किसके हैं ये जो मैंने अभी चीजें गिनी है, सोना चांदी माल तजारत नकदी जरूरत से जायद चीजें, जरूरत से जायद घर, जरूरत से जायद जमीनें, प्लाट्स, गाड़ियां वगैरह वगैरह, जरूरत से जायद जरूरत किसे कहते हैं वो मैंने बयान कर दी है। तो इस शख्स के ऊपर हज फर्ज हो गया, इस शख्स के ऊपर हज फर्ज है। ये है वलिल्लाहि अला नासि हज्जुल बैति मन इस्तता'अ इलैहि सबीला, इस्तता'अ जो ताकत रखे ये ताकत रख रहा है। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज मैंने बोली है पांचवी शर्त में कुदरत। कुदरत का मतलब ये होता है कि ये शख्स अब कादिर भी हो वहां मक्का में पहुंचने पर, जाहिर बात है हर वो शख्स जिसके पास पैसा हो, जराए हो, वो कहे मैं हज कर रहा हूं, बाबा कहने कोई मसला नहीं है, ये भी जरूरी नहीं, रुकावट भी हो सकती है। रुकावट पहले तो ये है कि अगर सरकारी अप्लाई करता है तो सरकारी महदूद होती है सीटें, तो वो कुरअंदाजी में नाम लेकर आता है, ठीक नहीं निकलता तो बस रह जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, उसमें भी ना हो तो बिल्कुल रह जाता है। अलबत्त इस मरतबा तो बड़ा अजीब सा ड्रामा हुआ कि 30,000 हमें वापस करने पड़े, कि हमारे लोग कम जा रहे थे और हमें कोटा उसके मुताबिक मिला हुआ था, हमने 30,000 फिर वापस दिया क्योंकि रकम 14-15 लाख बड़ी मुश्किल है, और आप तो जैसे महंगाई का सिलसिला है और जैसे जैसे ये सिलसिला आगे जा रहा है, आपको मुलाजम हजरात यही कहते हैं कि ऑन टच तुम रिटायर हो सा ग्रेजुएट ही नहीं करता तो शायद वो ग्रेजुएट ही नहीं आज ही हो सके। अब हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं, पहले सोचते थे मकान और फना और फना, अब यही सोच हो सकती है। तो बहरहाल ये हमारी खुद की गफलत है, हमने खुद ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अच्छे बड़े लोग, तगड़े लोग, और जी हो जाएगा हज, हो जाएगा हज, कह रहे नहीं कुछ भी होता, तो फिर आप उनको समझ आ गई, अब परेशान है। तो इसलिए जितना वैसे भी रिवायात में आता है जब हज फर्ज हो जाए तो इंसान को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी मौत का पता नहीं है,
और अक्सर इसी आजकल के चक्कर में कब्रों को पहुंच जाते हैं। तो अर्ज कर रहा था कि ये शब्द नंबर 5 इस्तेआत माली मैंने बयान कर दी, इस्तेआत कुदरत, कुदरत भी मैंने बयान कर दी कि कुदरत का क्या मतलब है, कुदरत का क्या मतलब है। तो कुदरत का मतलब बयान कर दिया कि इसके लिए वहां तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है, ना वीजा, ना पासपोर्ट, ना एम्बेसी, ना हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी परेशानी, ना वहां की हुकूमत की तरफ से कि भाई आपका कोटा यही था खत्म हो गया, ये हो सकती है सारी चीजें, इसलिए ये कुदरत जिसको हासिल हो। तो ये हज फर्ज होने के लिए 5 शब्द हैं। छठी शब्द हज का वक्त, हज जाहिर बात है कितने दिनों में होते हैं, 5 दिनों में, छठा साल कभी मिल जाता है 6 हो जाते हैं, 8 से ले जा 9 से ले जा 10 11 12 खत्म, कोई रह गया मीना में मगरब तक तो फिर 13 फिर 6 दिन, ये दिन भी हो। ये मैंने कितनी हज शर्तें बयान कर दी, 6। ये 6 शर्तें हैं हज के नफसी फर्जियत के लिए, हज के अदा करने के लिए क्या शर्तें हैं वो इसके अलावा भी हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, जब लड़के लड़की का निकाह हो जाए तो महर नफसी वजूब आ जाता है, अभी देना जरूरी नहीं है, उधार भी हो सकता है, लेकिन अभी वाजिब हो जाएगा, अभी वाजिब हो जाएगा किसने देना है, अलबत्त आधा देना जरूरी होगा और आधा देना अटका होगा लटका होगा, फिर आगे इनकी रुख्सती हो गई, खलवत हो गई वगैरह, या कोई एक दिन वैसे दुनिया से रुख्सत हो गया तो फिर पूरा हो जाएगा, जो लटका अटका है वो भी साथ लग जाएगा और मार पूरा हो जाएगा। लेकिन निकाह के साथ नफ्से वजूब आता है, अदाए वजूब नहीं आता। अगर अदाए वजूब आता तो मौलवी साहब कहते हैं मार दो तब निकाह होता, मार दो ये नहीं कहा जाता, मार रखो मुतय्यन करो कहा जाता है, क्योंकि मार के साथ ये निकाह के साथ मार का वजूब नफ्से वजूब आता है कि आप तसव्वुर करें कि मार है, लेकिन अदाए वजूब की अभी देना जरूरी है नहीं, जरूरी नहीं। अगर जे सहाबा की तरतीब नकद देने की थी, नकद देने की थी, गरीब से गरीब सहाबी भी नकद देने की तरतीब रखता था, और वाजे मिसाल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मैंने पहले भी पेश की थी कभी किसी बात कि वो हुजूर के घर में पले बड़े हैं और अपना कोई असासा भी नहीं है, जब उनका निकाह भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हो रहा है और हुजूर की अपनी बच्ची है और एक दूसरा कोई बच्चा है, घर में ही परवरिश पाई है, लेकिन महर की बात आई हुजूर ने फरमाया आई महर का इंतजाम करो, हालांकि हुजूर को पता भी था कि महर का इंतजाम कहाँ से करेंगे, अली के पास अपना कोई असासा नहीं है, लेकिन अली ने बदर से मिलने वाली ज़ेरा ले जाकर फरोख्त की और फरोख्त करके आके अपना महर अदा किया। पता चला सहाबा की तरतीब नकद अदा करने की, हमारे यहाँ क्या है, रख दें जी इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया, बाद में पूछे कब देंगे, कर्ज देते कह दिया और फिर ऐसे ही वक्त गुजार दिया, ऐसे ही वक्त गुजार दिया। और मैंने पीछे कहा था, कई मरतबा कहा है, ये औरत का महर कर्ज होता है, जब खाविंद फौत हो गया तो उसका मीरास तकसीम करने से पहले औरत कर्जदारों के साथ खड़े होके, वो कर्जवाओं के साथ खड़े होके अपना महर बतौर कर्ज पहले मुतालबा करके दे सकती है। अगर वो औरत भी फौत हो जाए तो औरत के वालिदैन शोर से भी ले सकते हैं अपनी बेटी का मीरास अलग और ये अलग ले सकते हैं, उसके भाई वगैरह कोई भी वारिस हो मुतालबा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तरतीब होती थी इस्तेआत कुदरत का मतलब भी मैंने बयान कर दिया, बाकी चीजें आपने नफ्सी वजूब और वजूब अदा में फर्क कर रहा था। तो अब इसके साथ साथ दूसरा आया है वजूब अदा, कि अदा करना फर्ज कब हो जाता है, कि अब जरूरी है कि अदा करें, वो तो आया था नफ्सी फर्जियत पहली जो 6 शर्तें बयान की, अब आई है कि अब अदा करना है इस पर, उसमें पहली शर्त है तंदुरुस्त होना, इंसान तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्ती में हो, सेहत में हो कि वो हज अदा कर सके, ऐसा ना हो कि चारपाई पे चला जाए। तो जब चारपाई पे चला गया अगर जी हज के दिन है तो अल्लाह की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि चारपाई पे चला गया। नंबर 2, कैद में या हाकिम की तरफ से रुकावट ना हो, अगर कहीं किसी मसले में कैद में चला गया है या हाकिम की तरफ से रुकावट जो मैंने पहले बयान कर दी है,
फिर भी इस पर वक्ती तौर पर पकड़ नहीं होगी इसकी। लेकिन याद रखें, हज एक मरतबा फर्ज हो जाए और आदमी टाल मटोल करता रहे, फिर उसके बाद कंगला हो जाए, मुफलिस हो जाए, माल पास ना रहे, तो हज सारी जिंदगी फिर भी फर्ज रहता है। हज की फर्जियत खत्म नहीं होती। ज़कात किसी ने दी नहीं थी और रात को उतार बसा डाकू आ गए, चोर आ गए, सारा माल उठा के ले गए, दुकान में से ज़कात नहीं दी थी और दुकान को आग लग गई, जल गया सारा माल, ज़कात दी गई, ज़कात दी गई। लेकिन हज का मसला कुछ और है। हज एक मरतबा फर्ज हो जाए फिर ये अदा करने के बगैर नहीं हटता। क्यों उस वक्त क्यों गफलत की आपने, क्यों आपने जो आगे पीछे हुए, हज फर्ज रहेगा। हाँ, अगर मरते वक्त इसके पास अदा ना कर सका, पैसे हैं, तरका है या नहीं है, अपने वारसों को वसीयत कर सकता है कि तुम्हें अल्लाह ताकत दे, या मेरा माल चोरे गया है, इसमें से एक बटा तीन में से तुमने हज बदल करवाना है, तो अब वारसों पर लाजिम है कि इसकी तरफ से क्या करवाए, हज बदल। फिर हज बदल की अपनी एक तस्वीर है, आज नहीं आना होगा, आज रहता है सारी जिंदगी। तो ये एक शर्त ये भी है, और इसके साथ साथ रास्ता पुरामन हो। आजकल तो खैर एयरलाइनें हैं, लोग पैदल जाते हैं, पहले तो पैदल सफर किया करते थे, घोड़ों पर ऊंटों पर सफर होते थे। आज भी बाज़ ऐसे मर्द कुलंदर नजर आते हैं, हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फलां मुल्क से एक आदमी साइकिल पर पहुंचाया, फलां एक आदमी फलां मुल्क से पैदल चलता हुआ पहुंचाया, ये सुनते रहते हैं आप, तो ऐसे भी होता है। बल्कि वहां ये भी पता चला, जो ये काले काले मर्द और औरत थे, ये कसरत से होते हैं बहुत ज्यादा, और हमारे हजरात तो होटलों में, एयर कंडीशनर में, और वो वहां आप देखें पुलों के नीचे पड़े होते हैं, उनकी मर्द भी औरतें भी, पुलों के लिए रात दिन आप देखें आराम करने के लिए पुल के नीचे जाते हैं, ऐसे पुलों के नीचे सड़कों पर पड़े होते हैं, पसीना बह रहा होता है, खाना पीना कहाँ से होता है, सामने से जो सबीलें तकसीम होती हैं मुफ्त में, वहां जाके लाइन पर लगते हैं, सबीलें लेते हैं मुफ्त में, खा के जाके तवाफ में सबसे आगे आगे होते हैं, और फिर आके जब थक जाते हैं उनकी मर्द, उनके मर्द और औरतें, तो वो जगह जगह जो जगह उनको मिलती है वहां सो जाते हैं, और फिर अपना हज उमरा करके वक्त पूरा करके फिर प्यादा निकल जाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि हज उमरा के लिए तीन तीन चार चार महीने, छह महीने पहले से घर से निकलते हैं, चार छह महीने लगा के यहाँ पहुंचते हैं, और फिर हज उमरा करके इसी तरह फना फिल्ला होता अल्लाह के आसरे पर, ना कोई होटल, ना कोई कमरा, ना कुछ, ना कुछ, ना किराया, जब तक्का पाई कोई नहीं है, और चले जाते हैं। अल्लाह जिनको तौफीक दे तो जो भी देता है, और जिनको ना दे, करोड़पति हो गए भी पति करोड़ दे रहते हैं, देश के जो पति करोड़ दे रहे हैं, अच्छा यार इसमें जो मैं थोड़ी इच्छा और निकला, तो ऐसे ही कमरों में चले जाते हैं। ये तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह जिसको देता है, सोचना चाहिए आदमी को, उसको ख्याल करना चाहिए, तो फिर अल्लाह उसको तौफीक दे देते हैं। ये बयान कर रहा था रास्ता पुरामन, तो अगर रास्ता पुरामन नहीं है फिर जाहिर बात है ये मसला उसके लिए माजूर है। औरत के लिए भी एक शर्त है, वो ये है कि उसके साथ महरम हो। औरत हज के लिए जा रही है, उमरा के लिए जा रही है, तो उसके साथ महरम होना चाहिए। महरम कौन है? उसका शौहर। महरम कौन है? उसका अब्बा जी। महरम कौन है? उसका भाई, उसका बेटा, उसके चचा, उसका मामू, ये लोग महरम है ना, उसके भतीजा, भांजा, ये महरम है उसके साथ, तो इनके साथ महरम के साथ जा सकती है। लेकिन यानी ऐसा आदमी कि जिसके साथ इसका निकाह हमेशा के लिए आराम हो, हमेशा के लिए आराम हो, वो महरम होता है। वक्ती तौर पर हराम हो ये महरम नहीं होता। जिस तरह के भाभी और देवर, इनका वक्ती तौर पर नहीं है ना, उसके भाभी है, उसके भाई के निकाह में है, या इसकी साली, ठीक है साली, तो ये नहीं है महरम इस तरतीब से। तो बहरहाल महरम का होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो होता है कि मेरी सहेली है, उसका साबित जा रहा है, तो मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सहेली के साथ जा रही हूँ, सहेली अपने महरम के साथ जा रही है, ये ठीक नहीं है, गलत नहीं है। महरम उसका है, तेरा तो नहीं है ना, तेरा तो नहीं है, तो हज उमरा में एहतियात करनी चाहिए इंसान।
अलबत्ता किसी आदमी किसी ये मैं इस पर फतवा नहीं दिया करता, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं खवातीन की जिन्होंने छोटे थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके एक उम्मीद बनाई होती है और फिर उनके साथ महरम साथ नहीं हो सकता, दूर तक भी नजर आता है कि शायद महरम नहीं मिलेगा और वो तड़प रही होती है आप किसी तरह वहां पहुंचे। तो कोई मुझसे मसला इस तरह का पूछता है, इस तरह का आदमी, तो मैं उसे मसला बता देता हूँ। मसला यही है कि आप नहीं जा सकते उसूली लिहाज से। बहरहाल जब उसकी तड़प ज्यादा हो तो मैं कहता हूँ फिर अच्छा वहां जाके इस्तिग़फ़ार कर लेना, क्या कर लेना, इस्तिग़फ़ार कर लेना, यही कह सकते हैं फिर, क्योंकि अब उसको मौत तक उम्मीद नजर नहीं आ रही वहां पहुंचने की अगर पूरी शर्तों पर गई तो। बहरहाल मतलब बेउसूली जरूर है लेकिन कोई कुफर या कोई अकबर कबायर के दर्जे की तो नहीं है ना, फिर यही कहा जा सकता है। बहरहाल कोशिश यही हो कि आदमी न जाए महरम की तलाश में रहे, अगर महरम मौत तक न मिला तो हज्जे बदल की वसीयत करके जाए, हज्जे बदल की वसीयत करके जाए अगर हज फर्ज न हो। इसी तरह एक शर्त इसकी ये भी है कि औरत इद्दत से खाली हो, अगर कोई औरत इद्दत में बैठी है तो हज फर्ज भी है नहीं जा सकती। अब यहां से मसला सुन लें, औरत इद्दत में है, खाविंद की इद्दत में है, हज फर्ज है, दिन आ गए नहीं जा सकता, फर्ज है, और यहां रोजाना निकल निकल के 40-40 मिनट का सफर करती है, कभी एक ही प्रभु देखा वहां, कभी दो ही प्रभु देखा वहां, एक तबादो मोड़ा वहां, हरिपुर मोड़ा वहां, कबरा को मोड़ा वहां,